RCI online classes. Dear students, our next topic and topic is error in the division of quantities. Clear? Product and quantities हमने पढ़ लिया था error की. आज है division of quantities. So let कोई भी आपके पास formula है. Formula x is equal to a by b. Division formula है. Division formula में हम let error in a Absolute error in A, and let us consider there be is absolute error in B. Clear? A में error कितना ले लिया बताओ? Let us consider del है. B में error कितना है? Let us consider del B. And del x absolute error in किसमें बेटा? x में और x का a by b, so absolute error in a by b. क्लियर? तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं एरर फॉर्म में? कि x में एरर है del x, a में एरर है del a और b में एरर है del b. तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इसको दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो आपके पास आ जाएगा ये x plus minus del x is equal to a में error क्या है? a plus minus del a and upon b plus minus del b. x में error plus और minus add करते हैं. error positive भी हो सकती है, error negative. और example ये length मैंने बताया था, length है. इस length में error हम positive भी कर सकते हैं और negative भी. और example इसकी length है 9 centimeter. तो कुछ बच्चों को मैंने कहा है कि इसकी मैपिंग करना, तो उन्होंने किया 9.1 और किसी ने किया कि सर 8.9. तो 8.9 वाला क्या आ गया? नेगेटिव एरर. और जिसने 9.1 मैपिंग की उसका एरर कितना गया? पॉजिटिव. एब्सोल्यूट कितना है इसका? एब्सोल्यूट है 9. क्लियर? सो हमने फॉर्मूले में एक्स में एरर दे दी डेल एक्स, ए में एरर दे दी डेल ए और बी में एरर आ गई डेल बी. ठीक है, कॉमन ले लेते हैं बेटा. क्या कॉमन है? लेट अस कंसीडर, इसे यहां से कॉमन ले लेते हैं एक्स. x कॉमन लेंगे क्या जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स. क्लियर है? अच्छा, यहां से क्या कॉमन लेते हैं? a कॉमन लेंगे क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन b को कॉमन लेंगे तो b 1 प्लस माइनस डेल b बाय b. क्लियर है? देखिए यहां लिख देते हैं इसको बेटा. अच्छा, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स यहां से a by b ले, और यहां आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी. क्लियर? एंड व्हाट इज a अपॉन b? a अपॉन b इज x. क्लियर? इक्वेशन में a अपॉन b इज इक्वल टू x. ये हमने लेट अस कंसीडर मान रखा है. सो सब्स्टिट्यूट equation first in equation second, then we can calculate x is equal to x 1 plus minus del x upon x is equal to x. और यहां से आपके पास आ गया 1 plus minus del a upon a and 1 plus minus del b by x cancel बेटा, x cancel. क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? दिस इंप्लाइज वी कैन राइट 1 plus minus del x upon x is equal to 1 plus minus del a upon a and upon 1 plus minus del b by b. Clear? इसको solve कर लेते हैं. solve करेंगे तो देखो, solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसका final जो formula है, जो division में जो division quantities हैं उनमें error आ जाएगी. calculate होके क्या था? 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स. क्लियर है? और यहां से आ गया आपके पास इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए. अच्छा, यहां पावर 1 है और ये डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव. इट मींस इनटू में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी एंड नेगेटिव. क्लियर? क्लियर?
नेगेटिव साइन जो है पावर में, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा, वन प्लस माइनस देन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस देन ए अपॉन ए, और यहां से साइन चेंज हो जाएगा। जब ये पावर यहां आएगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस प्लस, पहले था प्लस माइनस, और जब ये नेगेटिव से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव डेल पी बाय, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज वन प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करो तो वन को मल्टीप्लाई किया वन एंड प्लस माइनस क्या जाएगा, देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल ए बाय ए एंड प्लस माइनस डेल बी बाय बी प्लस माइनस, बताओ ये आप ये मल्टीप्लाई होगा तो डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी बाय बी, क्लियर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुआ, देखो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि जो डेल ए जो वैल्यू हमने ली है वो एरर है, मिनिमम वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है, तो डेल ए बाई ए क्या होगा, और भी मिनिमम होगा, क्लियर। इसी तरह से डेल बी है वो एरर है, और एरर क्या होती है, मिनिमम होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे मिनिमम वैल्यू होती है, तो उसमें अगर एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू है और डाउन चली जाएगी और कम हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिनिमम वैल्यू, ये भी मिनिमम, तो और मिनिमम हो जाएगी, क्लियर है, तो मिनिमम हो जाएगी, तो बेटा इसको क्या ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट जीरो, भाई ये इतना मिनिमम हो जाएगी कि रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जीरो, यानी कि अप्रोक्सीमेट कहां पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन जीरो, और वन से वन क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या जाएगा, तो आपके पास जाएगा मैं यहां से लिख देता हूँ डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल बी बाय, ये जीरो हो गया। जीरो कैसे हुआ, जीरो इसलिए हुआ कि जीरो है, ये वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम है तो जीरो है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा यहां से इसके अगर वैल्यूज देखें तो मैंने जैसे आपको मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही आपके क्या, आपके ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्लियरली देखें तो कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे चार वैल्यू आ सकती है इसकी संभावित वैल्यू, या तो आएगा डेल ए अपॉन ए पॉजिटिव तो डेल बी बाय बी भी पॉजिटिव, एक वैल्यू ये हो सकती है, एक क्या हो सकती है कि दोनों नेगेटिव, डेल ए बाय ए भी नेगेटिव और डेल बी बाय बी भी नेगेटिव, ठीक है, और क्या हो सकती है उसके अलावा, एक ये हो सकता है कि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव ले लेते हैं डेल ए बाय ए और इसको नेगेटिव ले लेते हैं डेल बी बाय बी, एक वैल्यू ये भी हो सकती है इस फॉर्मूले में, और क्या हो सकता है लास्ट, ये नेगेटिव हो डेल ए बाय ए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी डेल बी बाय बी, इस तरह से इस फॉर्मूले के एक्चुअल में कितनी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है चार, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव एरर या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर दोनों एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। अभी फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आपके टेंथ में पढ़ा है आर इज इक्वल टू वी वाई आई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर में एरर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी को देख के बताओ आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या आ जाएगा डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू वी, को क्या ले सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले को देखते हैं प्लस माइनस डेल बी बाय बी एंड प्लस माइनस बी की जगह क्या है यहाँ पे आई, तो आई क्या लिख सकते हैं डेल आई अपॉन आई, क्लियर। इसका मतलब इस फॉर्मूले में हमने ये पूरी कैलकुलेशन बताया कि डिवाइडेशन की कैलकुलेशन जो है, डिवीजन की क्वांटिटीज की हालत कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल फॉर्मूला है वो सिर्फ आर इज इक्वल टू बाय आई का फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, इस तरह से हम जो एरर्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।